दोस्तों वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेवर्जिंग मेथड के बारे में कि ट्रेवर्सिंग मेथड की हेल्प से हम कैसे प्लॉटिंग कर सकते हैं किसी भी सर्वे फील्ड की तो ट्रिंग मेथड भी प्लेन टेबल सर्वेइंग की एक मेथड होती है जिसके अंदर हम प्लॉटिंग करते हैं तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंटरसेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड को समझ लिया है तो इस वीडियो हम ट्रेवर्सिंग मेथड को पूरा डिटेल में समझेंगे इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेवर्जिंग मेथड की हेल्प से हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं तो जैसे कि हमने लास्ट में रेडिएशन मेथड समझा सेम उसी वे में हम ट्रेवलिंग मेथड का यूज करेंगे लेकिन डिफरेंट वे में जैसे हम कंपास ट्रेवर्स बनाते हैं या थ्रेडोलाइट ट्रेवलिंग करते हैं उसी टाइप से हम इस मेथड का भी यूज करेंगे इसमें जो हम ट्रेवलिंग करेंगे वो प्लेन टेबल की हेल्प से करेंगे सिमिलर उसी टाइप से जैसे हम कंपास में करते थे और थेडोलाइट में करते थे यानी इसमें हमें क्या कर करना है जो हमारा प्लेन टेबल आएगा उसे हर बार दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट करना पड़ेगा अब इसमें हम प्लेन टेबल बार बार सेट करेंगे और उससे हम क्या लेंगे हर स्टेशन की फोर साइड लेंगे यानी आने वाले स्टेशन की हम क्या करेंगे साइडिंग करेंगे और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे बाकी अदर जो स्टेशन आएंगे उनकी भी हम साइटिंग करेंगे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी हमारे दो स्टेशन उन सर्वे फील्ड उनके बीच की हम क्या करेंगे डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उनको हम क्या करेंगे करेंगे कुछ स्केल प्लॉट आउट करेंगे। अब जो हमारा मेथड होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेविंग इज सिमिलर टू डेट ऑफ रेडिएशन मेथड यानी जो हमारी रेडिएशन मेथड थी उसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था हम क्या कर रहे थे उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ले रहे थे जिससे सारे स्टेशन हमारे एक्सेसिबल थे फिर हम क्या करते थे उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो एक्चुअल स्टेशन है उनके बीच में हम डिस्टेंस मेजर करते थे और उसको कुछ स्केल पर हम क्या करते थे वहां पे प्लॉट करते थे तो सेम वही प्रिंसिपल ट्रेवलिंग मेथड में भी अप्लाई होगा इसमें भी हम क्या करेंगे ऑन फील्ड जो हमारे स्टेशन आएंगे उनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगी उसे हम कुछ स्केल पर क्या करेंगे प्लॉट आउट करेंगे सभी स्टेशन के लिए हम क्या करेंगे हमारे प्लेन टेबल को सक्सेसिव स्टेशन पे फिक्स करते जाएंगे और जो हमारे रेडिएशन मेथड का प्रिंसिपल था उसी टाइप से हम क्या करेंगे उनके बीच के डिस्टेंस मेजर करते वहां पे हम एक स्केल पे वहाँ पे लाइन क्रॉस करते जाएंगे

और उनकी हम चेनिंग भी कर सकते हैं मतलब उनकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ऑन ग्राउंड अब हम क्या करेंगे हमने सारे स्टेशन को हमने क्या कर लिया वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अब जो हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला स्टेशन है वहाँ पे हमने क्या किया हमने प्लेन टेबल को सेट किया यहाँ पे हमने जो स्टेशन सेलेक्ट किए उनके नाम मैंने कुछ इस टाइप से दिए हुए ए बी सी डी ई यहाँ पे मैंने पांच स्टेशन सेलेक्ट किए हुए हमारे सर्वे फील्ड पे अब हमने सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग वाला स्टेशन था ए स्टेशन वहां पे हमने प्लेन टेबल को यहाँ पे फिक्स किया है सेंटर किया है उसके अकॉर्डिंग अब उसके बाद हमें क्या करना है उसको हमने ओरियंटेड कर लिया अप्रोक्सीमेटली और हमने सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करनी है एक मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे बार बार हम प्लेन टेबल को शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे ये यूजफुल होती है हमारी एक मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ हमने लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर ली किसके हेल्प से थ्रू कंपास की हेल्प से हमने उसे ड्रॉ कर लिया अब हमने एलईडेट को ए पे रखा और उसे हमने किस टाइप से पिवट किया ई e और बी पे यानी जो अदर दो स्टेशन है वहाँ से एक्सीबल हो रहे उनके पर हमने इसको पिवट किया और उनकी लाइन ड्रॉ कर ली अब यहाँ पे हमने जो उनकी लाइन ड्रॉ करी है अब हम क्या करेंगे ऑन द ग्राउंड ए और बी स्टेशन के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ए और ई e स्टेशन के बीच के डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे और उनको एक स्केल पे हम क्या करेंगे कट आउट कर देंगे ड्राइंग शीट पे जिससे हमें ए ई e और ए बी लाइन हमें मिल गई ड्राइंग शीट पे अब हमारा ए स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया अब हम क्या करेंगे जो हमारा प्लेन टेबल है उसे हम शिफ्ट करेंगे बी स्टेशन पे अब वहाँ पे जो हमारा एलिडर रहेगा उसे हम कुछ इस टाइप से साइड करेंगे कि जिससे हमारा जो प्रीवियस स्टेशन है वो भी क्लियरली विजिबल हो एक लाइन में यानी ए बी लाइन पे हम उसको साइड करेंगे और स्लाइटली मूव करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेशन पे और उसके हम क्या करेंगे फिर से उसको जो नेक्स्ट स्टेशन मिल जाएगा उसके हम साइडिंग करेंगे लाइन ड्रो करेंगे ऑन फील्ड उनके बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे कुछ स्केल पे उसको जो हमने स्केल स्टार्टिंग में लिए उसी स्केल पे हम क्या करेंगे उस लाइन को कट कर देंगे आपको मेजर बार -बार करेंगे मिल जाएगा। तो इसका जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसे हम के समझ लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट क्या है हमारे ट्रेवर्सिंग मेथड का तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा ये हमारा एक फील्ड है सर्वे फील्ड जहां पे मैंने कुछ स्टेशन सेलेक्ट किए हुए हमारे स्टेशन ए बी सी डी और ई e. यहाँ पे हमने स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए अब हम क्या करेंगे जो हमारा प्लेन टेबल है उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे ए स्टेशन के ऊपर उसको प्लेस करेंगे उसकी सेंटरिंग वगैरह सब कर लेंगे उसे सेट आउट कर दिया फिर यहाँ पे हम थ्रू कंपास से क्या करेंगे एक मैग्नेटिक मेरेडियन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमने उसे मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ये जो आपके लिए हेल्पफुल होगा अब जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे ए स्टेशन पे हमने क्या रखा एलईडेड रखा उस पॉइंट पे हमने नाम दिया है स्मॉल ए अब उस पॉइंट से हम एल से क्या करें सबसे पहले बी वाली लाइन को हम साइड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे देन हमने यहाँ एल ई यहाँ पे पुट किया और ई e वाली लाइन को हम साइड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब इतना हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे ए से ई e की जो डिस्टेंस आएगी उसे हम मेजर कर लेंगे और ए से जो बी की डिस्टेंस आएगी उसे मेजर कर लेंगे और कुछ स्केल पे हम क्या करेंगे यहाँ पे उन लाइन्स को कट कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगी ए e लाइन और ए लाइन ऑन ड्रॉइंग शीट अब इतनी ड्राइंग हमारे पास ऑलरेडी बनी बनी आ गई मतलब जो इस टाइप की ड्राइंग हमारे पास बन गई अब वैसे की वैसे ड्राइंग यहाँ पे लेके हम बी स्टेशन पे उसे प्लेस करेंगे सेंटर लेवल फिर से वही सारी चीजें हम करेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले एलई डेट को उसके प्रीवियस जो हमारा स्टेशन आएगा उसके ऊपर साइड करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारी लाइन एकदम एक्यूरेट है या नहीं अब यहाँ पे हमने ए बी लाइन के ऊपर सबसे पहले उसको प्लेस किया यहाँ पे साइड कर लिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे उसे स्लाइटली मूव करेंगे इसके सक्सेसिव स्टेशन की ओर जो कि हमारा कौन सा है सी स्टेशन अब हमने सी स्टेशन की ओर हमने एलिडेट को प्लेस किया और उसकी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली फिर से हम क्या करेंगे बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मेजर करेंगे और उसे उसी स्केल पे हम क्या करेंगे यहाँ पे कट कर लेंगे जिससे हमें कुछ इस टाइप की एक और लाइन मिल गई तो इतनी ड्राॅइंग अभी हमारी हो गई कम्पलीट अब हम क्या करेंगे बी स्टेशन का, का काम हो गया अब बी स्टेशन से हम प्लेन टेबल को पूरा उठाएंगे और कहाँ पर शिफ्ट करेंगे सी स्टेशन पर हम शिफ्ट करेंगे अब हमने सी स्टेशन पे शिफ्ट किया अब उसके पहले सी स्टेशन पे शिफ्ट करने से पहले हमारे पास इतनी ड्राइंग ऑलरेडी बन चुकी है अब हम क्या करेंगे सी स्टेशन पे फिर से प्लेट टेबल को शिफ्ट किया यहाँ पे एल रखा उसका जो प्रीवियस स्टेशन है उसकी साइटिंग चेक कर ली सही है या नहीं अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं चेक लाइन बना के तो मैंने सी स्टेशन पर एल रखा और मैंने क्या किया ई की ओर एक लाइन चेक करी जिससे अगर वो जो हमारा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट उसके ऊपर से जा रही है तो हमारा जो

अब हमने डी स्टेशन की तरफ मूव किया और एक लाइन खींच ली तो जो हमारी प्लॉटिंग है अब ये इतनी तो हमने बी स्टेशन पे कर ली थी और सी पे आके जो हमारी प्लॉटिंग है कितनी हो गई ये इतनी हो गई अब यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर ली लाइन बना ली अब सी और डी के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसे हम मेजर करेंगे और एक स्केल पर जो हमारी सूटेबल स्केल हम स्टार्टिंग से ले रहे उतने पर उस लाइन को हम कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी पॉइंट अब यहाँ पर लगभग हमारी जो प्लॉटिंग एकदम कम्प्लीट हो चुकी है अब हमारा सिर्फ ओनली डी से ई e के बीच के डिस्टेंस बाकी है तो स्टेशन का पूरा वर्क कंप्लीट हो गया अब हम सी स्टेशन से इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे पूरे प्लेन टेबल को और हम कहां पे शिफ्ट करेंगे सी टू डी इतनी कंप्लीट हो चुकी है अब यहाँ पे हमने उसको रखा और यहां से हमारी एक लाइन से हमने चेक भी कर लिया था प्रीवियसली अब हम क्या करेंगे डी पे हमने पूरा सेटअप कर दिया प्लेन टेबल को और डी से भी हम क्या करेंगे एक चेक लाइन निकालेंगे ए की ओर जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी लाइन एकदम करेक्ट है या नहीं अब उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा एल है उसे हम किसकी ओर रखेंगे सी की ओर रखेंगे और चेक करेंगे जो हमारी लाइन ऑफ साइट एकदम सही या नहीं उसके बाद हम एल को मूव करेंगे किस ओर डी के सक्सेसिव स्टेशन की ओर कौन सा जो हमारा ई e? अब हमने एल को इधर मूव किया तो हमको मिल जाएगी उसकी लाइन अब वो लाइन हमें कुछ इस टाइप से मिलेगी जहाँ पे हमारे ई e पॉइंट को कट होगा और हमने जो चेक लाइन निकाली कुछ इस टाइप से मिली अब चेक लाइन से हमें पता चल गया जैसे कि मेरा जो इतनी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी थी अब यहाँ पे मैंने चेक किया अगर वो ए के ऊपर से जा रही तो हमारा जो यहाँ तक प्लॉटिंग हुई एकदम करेक्ट है और इस टाइप से हमें ई मिल गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया गया एकदम क्लोज ट्रेवर्स बन गया। अगर यहाँ पे हमारा स्टेशन कुछ अगर इस टाइप से रहता और जब हम प्लॉटिंग करते वो नहीं मिलता इधर छूट जाता तो यहाँ पे हमारा क्या क्लोजिंग ईरर ये प्रॉब्लम आपको कई बार देखने मिल सकती है ट्रेवर्सिंग मेथड के अंदर लेकिन यहाँ पे जो हमने ट्रेवरसिंग की है उसमें कोई इर आपको देखने नहीं मिल रहा है हमने चेक लाइन के थ्रू भी पूरा चेक कर लिया तो यहाँ पे ही है जो हमारी हो गई प्लॉटिंग एकदम कंप्लीट क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल गए तो यहाँ पे जो हमारी प्लॉटिंग हो गई और जो हो हो गई एक हो गई एकदम कंप्लीट तो इस टाइप से हमने हमने क्या किया मेथड की की हेल्प से प्लॉटिंग करी पूरे सर्वे फील्ड तो इस टाइप से हम ट्रेवलिंग मेथड का यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कोई वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना थैंक यू सो मच